अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप सब जानते हैं कि रमज़ानों का महीना है और रमज़ानों के महीने में हमें धनिया की कितनी ज़रूरत होती है। हर एक चीज़ में जो है धनिया का जो है ऐड होती है, चाहे आप कोई रेसिपी बना रहे हों, सालन बना रहे हों, या आप आलू के पराठे बना रहे हों, धनिया का बहुत अहम किरदार होता है हर एक डिश में। तो आज हमें जो है धनिया, हम बाहर गए थे थोड़ा सा सामान लेने, तो हमें धनिया वहाँ पर जो है ना अच्छी मिल गई, तो हमने इसकी 5 गठियाँ ले ली हैं, देखिए ये 3। और तो मैंने बोला कि हम इसको ले लेते हैं तो फिर हम इसको अच्छे से सेव कर लेंगे ताकि जो है ना ख़राब ना हो जाए, नहीं तो आपको पता है धनिया जो है ना ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो कुछ हमने चटनी में डाल दें, कुछ जो है हम इसको थोड़ा सा सेव करके रखेंगे ताकि हम सालन वगैरह में या हमें किसी चीज़ में भी डालना हो, या कोई रेसिपी बना रहे हैं समोसे या किसी भी चीज़ में, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ये धनिया जो हमने ली है, तो अब इसको हम मैं कैसे फ्रीज़ करूँगी, फ्रीज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि फ्रीज़ भी लोग करते हैं, लेकिन हम फ्रीज़ नहीं, हम इसको करेंगे स्टोर फ्रिज के अंदर। तो आप देखिए, अच्छा हम इसको जो है अब इसको हम अच्छे से वॉश करके इसके अंदर जो ख़राब पत्ते हैं वो हम इसको निकाल देंगे, और इसकी जो डंडियाँ हैं एंड से इसको थोड़े से हम कट करके इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें से जितनी भी धूल मिट्टी या जो चीज़ें भी होंगी वो निकाल देंगे ताकि फ्रेश हो जाए, और इसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह तो वो भी निकल जाए और बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो हम इसको जो है अच्छे से खोल के इसको हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे, देन हम इसको स्टोर करेंगे। तो चलें अब हम इसको वॉश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम इसको कट करेंगे, देन हम इसको वॉश करेंगे, और देन हम इसको ड्राई करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूँ कि एक हाथ में मेरा कैमरा है, मेरा ट्राइपॉड जो है टूट चुका है, तो अभी तक मैंने नया नहीं लिया। अच्छा, तो हम यहाँ से इसके पहले डंठल काटेंगे, देन हम इसमें से जो भी, मैं आपको यहीं से दिखा दूँ कि जैसे इसमें कोई भी ख़राब पत्ता है, या ये देखें इस तरीके से जो भी पीले पत्ते हैं, तो उसको हम जो है ऐसे निकाल देंगे। और ये जो है मैंने बड़ी जो है परात ले ली ताकि धनिया जो है ज़्यादा है, उसको अच्छे से वहाँ मैं काट के रख सकूँ। तो अब हम इसमें से जितने भी काले पत्ते हैं आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से इस तरीके से, तो इसको हम जो है साफ़ कर लेंगे, और जो काले पत्ते हैं या पीले पत्ते हैं इस तरीके से ये देखें, तो इनको हम निकाल के इसकी ये थोड़ी थोड़ी सी बस इतने इतनी काटनी है। और अगर आप लोग सिर्फ इसके लीव्स रखते हैं तो आपने शुरू शुरू में जो इसके पत्तियाँ लगी होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, तो आप ये पत्तियाँ निकाल लीजिएगा। तो मैं एक आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, उसी तरह से मैं फिर अपनी बाकी धनिया भी ऐसे ही साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से इसके जो डंठल हैं वो मैंने काट दिए हैं लाइक दिस। देखिए अब इसको हम अंदर से साफ़ करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ काली काली पत्तियाँ हैं, और ये भी बाकी डंठल इस तरीके से सारी, मैंने बोला आप लोगों को एक बता दूँ और फिर मैं सारी अपनी साफ़ करूँगी। इस तरीके से मैंने देखिए इसको खोल लिया है, और अब इसमें से जो रफ़ लीव्स हैं वो मैं रिमूव करके फिर हम इसको वॉश करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने एक बचा ली थी क्योंकि ये मतलब जल्दी से हम इसको यूज़ कर लेंगे, और ये फ्रेश है। तो बाकी जो है हमने साफ़ कर ली, ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो धनिया है ये हमने साफ़ कर ली है, और ये देखिए सारा जो इसका कचरा था ये वो हमने निकाल लिया है, जैसे इसकी ये डंठल्स और ये जो इसमें जो पीले पत्ते थे या इसमें काले पत्ते थे वो हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से, और इसके बाद जो है बाकी, और ये हमने मैंने ये नहीं बनाई क्योंकि इसको हम स्टोर कर देंगे और ये हम रैंडमली यूज़ कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसको वॉश करने लगे हैं अच्छे से, और जो भी इसमें से इसकी मिट्टी वगैरह होगी वो हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे। देखें ये हम जो है अपने आप इस पानी में से इसको निकालेंगे और इसमें रखेंगे, और फिर दोबारा हम इसको एक पानी से वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है मैला हो जाता है। के दोबारा एक और पानी से इसको वॉश करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए।
तो ये देखें, हमने एक लॉन का दुपट्टा बिछा लिया था। अब हम इसके ऊपर धनिया को डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे, इसका पानी ड्राई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसका पानी जो है हम खुश कर लेंगे। ये जो है हम इसको तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो धनिया है वो सूख रही है और बिल्कुल हम इसको ड्राई करके देन हम इसको स्टोर करेंगे इस तरीके से। तुझे भी डाल दूँ धनिया, हमने इस तरीके से स्टोर की है। ये देखें कि मैंने टिशू लगाया, इसके नीचे धनिया रखी है थोड़ी सी और फिर टिशू लगाया है। इसके नीचे भी जो है हमारे पास ये देखें धनिया है, नीचे भी हमने नीचे टिशू लगा के फिर हमने उस पर धनिया रखी है, फिर एक टिशू लगाया, फिर एक लेयर लगाई है धनिया की, फिर टिशू एंड देन फिर एक लेयर लगाई है हमने धनिया की। हमारी धनिया बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी हम ये जो टिशू है इसको हम इस तरीके से रख के इसको अच्छे से यहाँ से फोड़ देके इसको हम बंद कर देंगे। और ये हमारी धनिया जो है एक महीने या आप जितने दिन के भी स्टोर करना चाहते हैं ये स्टोर हो जाएगी, जो ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको लगे कि ये टिशू पे कहीं कहीं जो है पानी आ गया तो इसको आप टिशू को चेंज भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके से जो है हमारी धनिया जो है आप किसी भी बॉक्स में इसको ऐसे एयरटाइट कंटेनर में इसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।